हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, 1 से लेकर 29 फरवरी तक मिथुन राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2020 का महीना कैसा गुजरने वाला है आपको बताएंगे। कौन से शुभ कार्यों को करने के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त और शुभ दिनांक रहने वाला है। फरवरी के महीने में आप कौन सी दिशा आपके लिए काफ़ी अच्छा और लाभदायक रहेंगे आपको बताएंगे। आपके जीवन में चल रही परेशानियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से आपको ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सकेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकोगे, इसके लिए आप इस महीने क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको सेहत मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि फरवरी का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी राशि में शनि की लघु कल्याणी ढैया भी शुरू हुई है, इसलिए इस महीने आपको जहाँ हो सके संभल कर रहना होगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फरवरी महीने में आपको कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे, खास तौर पर आर्थिक मामलों में आप बेहतर कर सकोगे। स्वयं के भवन निर्माण के संबंध में जो योजनाएं बना रखी हैं उसको गति मिलेंगे। निर्माण के लिए आपको काफ़ी अच्छे लोगों की मदद मिल सकेंगे। बिजनेस में आपको काफ़ी प्रयासों के बाद सफलता मिल सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या फिर आप किसी नए व्यवसाय नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 19, 20 और 21 फरवरी का दिन काफ़ी शुभ रहेगा। इन 3 दिनों में आप किसी नए कार्यों का शुभारंभ कर सकते हैं और इससे आपको हमेशा शुभ और परिणाम मिलने वाले हैं। आपको बड़ों से सीखने मिलेगा और आपको बिजनेस में काफ़ी सफलता मिल सकती है। कमाई के साधन आपके बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी आपके पहले से ज़्यादा होंगे, आप भूमि संपत्ति खरीदने का मन बना सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि फरवरी के महीने में अचानक धन प्राप्ति के अच्छे मार्ग हासिल होंगे, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होंगे, मित्रों की सहायता से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस राशि वाले लोगों का शुभ समय शुरू होने वाला है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको सफलता हासिल होंगे, छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप अपनी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूरा कर सकोगे, घरेलू जीवन सुचारू रूप से चलेंगे, मानसिक तनाव कम रहेगा, आप सहयोगियों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके व्यापार में बढ़ोतरी होने के काफी सकारात्मक परिवर्तन होने के संकेत दिख रहे हैं, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे, आपकी बनाई गई योजनाएं सफल रहेंगे। नौकरी के संबंध में आपको लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है लेकिन आपकी यात्राएं काफी सफल रहेंगे। भगवान विष्णु की कृपा से आपको चारों तरफ से धन मिलेगा, आपके सभी सपने पूरे होने लगेंगे। जो लोग अकेले हैं उन लोगों के जीवन में सच्चा प्रेम प्रवेश कर सकता है, आप अपने करियर में अच्छी सफलता हासिल करेंगे, आसपास के लोगों की आपको पूरी तरह से मदद मिल सकती है, आप किसी महिला की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम संबंधों के लिए आने वाला समय काफी अच्छा रहेगा। ऑफिस के कामकाज पूरे होने में आप सफल महसूस कर सकते हैं, आपकी रुचि रचनात्मक कार्यों में ज्यादा लगेंगे, आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। इन दिनों आपको बताना चाहेंगे कि आपको 8, 9 और 10 फरवरी के दिन कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, आपको अचानक से धन लाभ हो सकते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आप काफी सख्त और अपने खान पान के लिए जो रोजाना आप कई न कई कार्य करते हुए कर सकते हैं। महादेव के सुप्रभाव की वजह से आपको सभी क्षेत्र में अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा, भागीदारों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, आप व्यापार के क्षेत्र में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे और किसी विशेष कार्य में मित्रों का साथ आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। धन कमाने की योजना काफी सफल रहेंगे, आपको सफलता के नए मार्ग हासिल होंगे, विदेश में शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं,
आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में तरक्की हासिल होंगे। आने वाले दिनों में कई क्षेत्र में आपको फायदा मिलेगा। आपकी आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी होंगे और घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने में आगे आ सकोगे। भविष्य में किसी से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। यात्राओं पर जाने के लिए आपको थोड़ा सा धन खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन आपको उससे कई गुना धन अधिक भी मिलने वाला है। आपके जितने भी सपने थे वे सारे के सारे साकार होने वाले हैं। आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा। नौकरी में उच्चाधिकारियों का समर्थन मिलेगा। आप जीवन में नई ऊंचाइयों को हासिल करने में कामयाब रहेंगे। संतान की ओर से अचानक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल रहेंगे। आपके द्वारा किए गए निवेश में भारी लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा वालों को खुशखबरी मिल सकती है। बाहर जाने का मौका आपको मिलेगा और किसी खास इंसान की सलाह से आप अपने कामों के प्रति कुछ बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपका शुभ समय अब शुरू हो चुका है। शनिदेव की कृपा से आपको अपने जीवन में काफ़ी तरक्की मिल सकेंगे तथा आप नए व्यापार नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। फरवरी के महीने में आपको अपने भाग्य के साथ ही बहुत ही शानदार परिणाम हासिल होने के योग हैं। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आप जुड़ सकते हैं। आपको अपने व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। लेन देन और निवेश में आपको किस्मत का साथ मिलेगा। आपके सोचे हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। आपको बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। सुख समृद्धि रुपये पैसा लगातार बना रहेगा। इनकम के क्षेत्र में बढ़ोतरी होंगे। कारोबार में लाभ के मिलने के योग हैं। आप अपने व्यापार को उच्चतम ऊंचाइयों पर ले जा सकोगे। आपके द्वारा आरंभ में किया गया कार्य फायदेमंद साबित होगा। आपको अपने व्यवसाय में खूब धन लाभ होगा। भूमि और भवन से संबंधित कार्यों में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफी लाभदायक सिद्ध होंगी। आप हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। धन संपत्ति से जुड़े कार्यों में अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपको आपकी आर्थिक स्थितियां मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। बेरोजगार लोगों को अच्छे रोजगार की प्राप्ति होंगे। आपके जीवन में आपको अनेक प्रकार के बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आप अपने जीवन में तेजी से प्रगति करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान को स्थापित कर सकोगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपको शनिदेव भगवान के साथ साथ महादेव की भी कृपा बनने वाली है और आपको अपने जीवन में काफ़ी अच्छी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पुराने किए गए निवेश का अच्छा नतीजा मिलेगा। समाज में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होंगे। नौकरी के क्षेत्र में कुछ बदलाव अवश्य ही हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। आप अपने व्यापार में बदलाव करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आपको प्रमोशन के साथ साथ स्थानांतरण भी इस महीने मिलने वाला है। ऑफिस में आपके सहयोगी सभी कार्यों में आपकी मदद करने के लिए आगे रहेंगे। आपको धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं से जल्दी ही छुटकारा मिल सकता है। रुके हुए कार्यों में काफी तेजी आएगी। जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलने की संभावना है। कारोबार की स्थिति अनुकूल रहेंगे और परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। आपके जीवन के सभी प्रकार के परेशानियां खत्म होंगी। घरेलू जीवन की समस्याएं भी दूर होंगी और जीवन साथी की भावनाओं को अच्छे तरीके से समझ सकोगे। दिन आपका अनुकूल साबित होगा। प्रेम जीवन के लिए भी दिन काफी सही साबित होने वाला है। मित्रों, फरवरी का महीना, आप अपने जीवन में काफी अच्छे तरक्कियां कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने करियर में काफ़ी सफलता पा सकोगे। आपको अपने क्षेत्र में सुखद अनुभव की अनुभूति होंगे। परिवार चलाने के लिए एक अच्छी योजना के साथ साथ आगे बढ़ते हुए आगे चलेंगे। बच्चों से आपको कभी अच्छी खुशखबरी मिलेगी। छात्र प्रतियोगिता परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखा सकोगे। समय से पहले आपके पास धन की कमी पूरी हो जाएंगी और किसी कार्य को पूरा करने का यही समय आ चुका है। महाकाल की अपार दया दृष्टि आपके ऊपर
होने वाली हैं। आप तमाम तरह के दुखों को आसानी से पार करते हुए अपने घर परिवार में खुशियों का माहौल देख सकते हैं। धन संबंधी मामले फिर आप सदा ही आगे रहेंगे। आप थोड़ा पैसा लगाने के बाद अधिक पैसा कमाने में कामयाबी हासिल करने वाले हैं। बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद हमेशा मिलने वाला है। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आप घर परिवार के जीवन साथी में सहयोगियों से काफ़ी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको काफ़ी सफलता दिलाएंगे। व्यवसाय में ऊंचाइयां आप छू सकते हैं। अचानक पुराने मित्रों से आपका इस महीने मुलाकात हो सकता है। कामकाज नियमित रूप से आप निपटा सकोगे। इस शुभ योग में आपको धन लाभ होंगे और आपको कार्यस्थल पर अपने कामकाज की अधिकारियों से प्रशंसा भी मिलेंगी। काफ़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलने के योग दिख रहे हैं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो।